हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करते हैं, लेट करेंगे। माना कि रूट फाइव पे क्या, अगर अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानेंगे। माना कि रूट फाइव पे परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पी तथा क्यू सअभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा q does not equal to 0। ठीक है, जहां p तथा q सहभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा q does not equal to 0 है। q does not equal to 0 है तो अब बताइए यहां क्या बोला, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और किससे कटे, 1 से कटे, सहभाज्य कहलाती है। फिर से एक बार, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, रूट फाइव का स्क्वायर पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई 5। क्यू स्क्वायर को इधर भेजे, 5 को इधर भेजे, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि देखिए पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से, 5 से विभाजित है पी स्क्वायर, कितना मर्द में क्यू स्क्वायर, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो लिख सकते हैं, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। इसके जस्ट बाद अब क्या करते हैं, माना कि क्या माना, p इक्वल टू 5m, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और डालिए, तो p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर बाई 5, तो यहां से हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर बाई 5, 5 को 25 से काटिए 5 आएगा, यानी आपका हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर 5 m स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 5। यहां देखिए q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए q 5 से विभाजित होगा। इसके जस्ट बाद अब क्या लिख सकते हैं, देखिए आप, हमने क्या बोला कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहां p और q क्या होना चाहिए, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब किससे कटना चाहिए, या तो 1 से, 1 से और स्वयं से, तो देखिए ये जो p है या तो p से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, ये q जो है या तो q से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, यानी इसका दो फैक्टर हो सकता है, इसका दो फैक्टर हो सकता है, लेकिन हमने यहां जब निकाला तो देखा क्या, p जो है 5 से डिवाइड है और क्या है q जो है वो 5 से डिवाइड है, यानी ये दोनों के अतिरिक्त दोनों में एक एक और हमारा फैक्टर आ गया, तो इससे हमको क्या सिद्ध हुआ कि p बाई सॉरी रूट फाइव हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इस चीज को लिख देना है, चूंकि p तथा q कितना से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है,
5 से विभाजित है तो क्या लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसको भी क्या लेट करेंगे, माना कि क्या माना, 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पी क्यू एक सअभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए अब क्या करते हैं, 3 को उधर भेजते हैं, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या की तरफ भेजते हैं, सॉरी ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू बाई क्यू। इसका रेशनलाइज कर, सॉरी इसका क्या कर दिया, पर इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम क्यू हो जाएगा, ठीक है, पी बाई क्यू इसका क्या है, इसका 1 है, इसका एलसीएम क्यू ले लेंगे, और इसका एलसीएम लेने के बाद में ये क्या हो गया, इसका एलसीएम क्यू हो गया, क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी, फिर 1 से क्यू को डिवाइड करेंगे तो क्यू मर्द में जाएगा, क्यू को 3 से करेंगे तो 3 क्यू, इतना तो आप लोग को पता होगा। चलिए इसके बाद रूट 5 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू हो गया। अब देखिए चूंकि पी तथा क्यू एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए पी माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, चूंकि p तथा q एक क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है कि 2 अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, तो पहला को हल करते हैं। पहला दिया है 1/√2, तो इसको हल करते हैं। माना कि अपरिमेय बोला, माना कि 1 बाई
रूट टू एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पी कॉमा क्यू एक सअभाज्य अभाज्य पूर्णांक संख्या है, तथा Q does not equal to zero। अब क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी पर नहीं करम, यानी रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट टू से नीचे डिवाइड कर दिए P by Q। सेम संख्या से सेम संख्या में गुना और भाग करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ये काटेंगे तो वन हो जाएगा। चलिए ऊपर क्या हो गया, रूट टू बाई टू, ये हो गया पी बाई क्यू, टू को उधर भेज दिए, रूट टू इधर आया टू पी बाई क्यू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं से छोड़ दीजिए, यहीं से लिखिए, चूंकि पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या है, इसलिए टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि वन बाई रूट टू एक क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या है, वन बाई रूट टू एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक, अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, सेवन रूट फाइव दिया है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, माना कि सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेवन रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू, यही कहानी लिखेंगे, जहां जहां पी कॉमा क्यू एक स अभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इसको सेवन को उधर भेजिए, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई सेवन क्यू, पी बाई सेवन क्यू आ गया। अब यहां से हम क्या जानते हैं, चूंकि पी तथा क्यू एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए पी बाई सेवन क्यू
एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन रूट फाइव एक डालिए, लेकिन हम जानते हैं कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है तो क्या जाएगा, अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या होगा तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। देखते हैं तीसरा दिया है 6+√2, तो इसका हल करते हैं। इसका भी वही कहानी लिखेंगे, माना कि 6+√2 एक अपरिमेय, परिमेय संख्या है, इसलिए 6+√2 = p/q, जहां p, q एक सहअभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0। वही कहानी जो यहां लिखेंगे, सब जगह वही कहानी लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, 6+√2 = p/q, रूट टू को रहने दीजिए, p+q है, 6 को इधर कीजिए, तो √2 = p-6q/q आ गया। अब आप क्या जानते हैं, p और q हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, तो p और q क्या हमारा पूर्णांक संख्या है, p by q क्या है हमारा परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाइएगा, पूर्णांक की संख्या आएगा, और नीचे भी पूर्णांक है, पूर्णांक by पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहां परिमेय दे दिया और यहां क्या दिया, अपरिमेय दिया, सब जगह वही काम हो रहा है, ये हमारा परिमेय दे दिया और ये अपरिमेय दे दिया, ये संभव है क्या, पहले प्रूफ कर चुके हैं, रूट फाइव क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, रूट टू क्या है अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, जब आपको सिर्फ दे दे रूट फाइव प्रूफ करने के लिए, तो जो हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए उस टाइप से चलेंगे। अगर हमको क्या करे, रूट फाइव ना दे करके, मतलब कि कुछ और दे दे, रूट फाइव दे, रूट फाइव के साथ में और कुछ लगा दे, जैसे सिर्फ ओनली रूट फाइव दे देता, रूट थ्री दे देता, रूट टू दे देता, रूट सेवन दे देता, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस मेथड से काम करेंगे जो इसका इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन बनाए, वही रूट फाइव, रूट वन, रूट थ्री, रूट सेवन के साथ में और कोई संख्या लगा देता है, प्लस में, माइनस में या मल्टीप्लाई में, तो इस मेथड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन के दूसरे में किया था, दूसरा क्वेश्चन में किया था। तो चलिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग ये लिखेंगे, चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए p-6q/q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, फिर वही कहानी लिखेगा, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, हम लोगों ने क्या माना था, परिमेय माना था, तो वही हमारा मानना गलत है कि
सिक्स प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या, इसलिए क्या सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगा। जगह कम है या आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इस प्रकार से हमारा 1.3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को नया वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।